हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो आज हम यूजेस ऑफ ए और एन की एक्टिविटीज करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझ लिया कि ए और एन कहाँ पे यूज करते हैं। तो टिट्टू बेटा, ए और एन कहाँ यूज करते हैं? ए की यूज कहाँ पे करते हैं हम? कंसोनेंट होता है। हाँ, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद कंसोनेंट साउंड। और एन का यूज कहाँ होता है? वावल। वावल साउंड। वावल साउंड क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, इसकी साउंड को हम कहते हैं वावल साउंड। वहां पे हम एन लगाते हैं, ए एन एन, और ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। तो यहां पर मैं एक एक्टिविटी दूंगी, वो आपको करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहां सबसे पहले दो कॉलम बनाऊंगी। एक यहाँ पे ए का कॉलम मैंने बना दिया और यहाँ पे एन का कॉलम बनाया। इसको यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगी, ए और एन। ओके, यहाँ मैं आपको कुछ फ्लैश कार्ड दे रही हूँ। ये फ्लैश कार्ड मैं आपको दे रही हूं। आपको ए जहां पे होगा, कंसोनेंट साउंड जहां पे होगा ए के पास रखना है, और वावल साउंड जहां पे होगा वहां आपको एन के पास रखना है। सो डू दिस एक्टिविटी, हिलाओ नहीं इसको। हाँ, डू दिस एक्टिविटी। ए के सामने क्या आएगा और एन के सामने क्या आएगा? गुड। देखो वहां, देखो। हाँ, और करो। व्हाट इज दिस? पैरट। हाँ, पैरट। तो पैरट को यहाँ कहाँ डाल रहे हो तुम? ए के सामने डाला, क्यों? कंसोनेंट। हाँ, कंसोनेंट। पी इज अ कंसोनेंट। पी कंसोनेंट साउंड आता है, इसीलिए ए ई आई ओ यू, याद रखना, ए ई आई ओ यू वावल साउंड होता है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, कंसोनेंट। गुड, कंसोनेंट। हाँ, इसे भी ऐसे रखो। और गुड। दिस कंसोनेंट। के इज वावेल और कंसोनेंट? कंसोनेंट। कंसोनेंट के पहले क्या लगता है, ए और एन? ए। गुड। ए इज वावेल और कंसोनेंट? वावेल। वावेल, तो वावेल की तरफ रखो, इस साइड करके रखो यहाँ पे। हाँ, V is vowel or consonant? Consonant. Consonant. Then keep it there. Let me check. तो यहाँ पे N के तरफ आया eagle, ice cream, apple. Good. A E I O U में E I A E I A E I यहाँ आ गया, इसलिए N में रखा। An eagle? Say an eagle. An eagle? बोलो। No. An eagle? बोलना है आपको मेरे साथ। एन ईगल। एन ईगल। एन आइसक्रीम। एन आइसक्रीम। एन एप्पल। एन एप्पल। गुड। हियर अ पैरट। अ पैरट। से इट लाउडली, स्टैंड अप एंड से इट लाउडली। अ पैरट। हियर अ वायलिन। वायलिन। अ Nest. A lemon. A kangaroo. Kangaroo. Very good. A parrot. A parrot. तो यहाँ पर आपने इस एक्टिविटी में देख लिया किस तरीके से हमने ए और एन का यूज किया। अब मैं और एक एक्टिविटी बताने जा रही हूँ जिसमें हम बच्चों से ए और एन का यूज करा सकते हैं। लेट्स सी।
यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन. सो टिट्टू ये करेगी, यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसको उसे फिल करना है ए से या एन से. यस स्टार्ट टिट्टू, कम हियर. यस बिफोर फ्लावर व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. फ्लावर के पहले क्या आएगा, ए और एन. ए राइट. गुड. बॉल बिफोर बॉल ए, कंसोनेंट साउंड. गुड ए. से लाउडली बेटा. यस एन, एन ऑक्स. एन ए एन बेटा, ए एन लिखो. ए एन एन यहां लिखा है ना, ऐसा लिखो ए एन एन. ए पहले ए लिखो, यहां ए लिखो. ए ए लिखो, यहां पे ए लिखो. ए हाँ एन. अच्छे से लिखो तो एन एन ऑक्स. यहां कैट में क्या लगेगा, ए और एन. से लाउडली अ कैट, कंसोनेंट साउंड. राइट गुड. हियर एन एन. बी इज अ वावल साउंड और कंसोनेंट साउंड. वावल कंसोनेंट. अगेन कंफ्यूजन. ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो बाकी अल्फाबेट आते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंसोनेंट. कंसोनेंट बी सी डी एफ ये सब क्या है, कंसोनेंट है. ऑल दीज आर कंसोनेंट. सो बी के पहले क्या आएगा, कंसोनेंट के पहले क्या लगाते हैं हम, ए या एन. ए. गुड. हियर आई ग्लास, ए और एन. एन because e is a vowel sound. ऐसे लिखने का. हाँ a n an. umbrella, a or n. a or n. n. हाँ why n, n क्यों लगेगा umbrella के पहले. वावेल. हाँ क्योंकि ये वावेल है, यू इज अ वावेल. गुड. एक ए ठीक से बनाओ एक को. गुड. हियर एंट. ए इज ए वावेल और कंसोनेंट. वावेल. हाँ वावेल. तो इसके आगे क्या लगेगा एंट के आगे, एन 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 एंट. गुड. तो यहां पे हमने देखा कि जो कंसोनेंट साउंड है उसके पहले लगा रहे हैं हम ए, अ फ्लावर, अ बॉल. अगेन दिस इज वावल साउंड ऑक्स, देयरफॉर एन. हियर कंसोनेंट साउंड अ कैट. बाइक कंसोनेंट साउंड अ बाइक. आई ग्लास इज अ वावल साउंड एंड आई. Umbrella vowel sound and umbrella. Ant is a vowel sound, therefore an ant. So today's activity is completed. Hope आपको ये activities पसंद आई होगी. अगर पसंद आई होगी तो आप भी अपने बच्चों से vowels की ये activity जरूर कराएं. A और an का use करना अच्छे से सिखाएं उनको. अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. टिल देन बाय बाय.